हेलो गाइस, मैं हूँ सजी मार। आप देख रहे हो सजी मार की वीडियो यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम आपको बताएंगे पैनासोनिक का वेट मशीन के बारे में। तो इसको इस मशीन में जो हमारा प्रॉब्लम है वो अभी हम आपको आगे बताएंगे। तो दोस्तों, हमारा मशीन जो है वो हम स्टार्ट करते हो और आपको प्रॉब्लम हमारा जो मशीन में है वो आपको बताता हूँ। तो मशीन को ऑन कर दिया अभी हम, तो देख सकते हो इधर जो हमारा जीरो आ रहा है, जीरो प्रॉपरली नहीं आ रहा है, देख सकते हो आप। इधर कट हो रहा है, देख सकते हो। एक जो लाइट है डिस्प्ले का वो हमारा कट होकर आ रहा है। इसका जो प्रॉब्लम है वो क्या है, एक इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है इसी के बारे में। हाँ, इसी के अकॉर्डिंग एक वीडियो हमने डाला था, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि उससे अलग हो इसी प्रॉब्लम। तो हम हमारा मशीन को खोलता हूँ और आगे प्रॉब्लम को पीछे की तरफ देखिए, पीछे की तरफ भी सेम है। तो दोस्तों, अगर डिस्प्ले की प्रॉब्लम होती तो एक साथ दोनों डिस्प्ले ही खराब नहीं होता, आपका एक हो सकता, लेकिन अगर डिस्प्ले दोनों ही खराब होता तो अलग अलग तरीके से होता, एक ही तरह से नहीं होता। दोस्तों देख सकते हो, ऊपर की तरफ जो हमारा स्क्रू लगा हुआ था वो हमने खोल चुका हूँ। अब हम मशीन को खुला देंगे और दूसरी तरफ का जो स्क्रू है वो हम जल्दी से खोलेंगे। अब दोस्तों, हमारा मशीन जो है वो हम खोल चुका हूँ। अब दोस्तों, हम आगे जो करने वाला हूँ कि इसका जो ऑयल लगा हुआ है इधर, इसे हम खोलेंगे और खोल के हम फिर से लगाएंगे। लेकिन इधर चार्ज जो है वो कटिंग करेंगे, पहले इधर से तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, लेकिन हमारा इधर इसे खोलेंगे और खोल कर अच्छी तरीके से लगाएंगे। और डिस्प्ले का जो भी इधर कनेक्शन है, इधर कनेक्शन है, तीनों को खोल कर हम ठीक से लगाने का कोशिश करूँगी और होता है कि नहीं हम देख लेंगे। फिर हम स्टार्ट करता हूँ। तो देखो भाई, इधर हमारा जो है वो कट होकर आ रहा है। तो हम आगे क्या करेंगे, हमारा जो नया जो वायर है वो हम लगा कर देखेंगे। ज्यादातर क्या होता है कि दोनों डिस्प्ले अगर आपको अच्छी नहीं दिख रहा है, देखा जो है वो कटिंग होकर आ रहा है, तो इधर ही चेक करो और फिर नया वायर लगा कर ही देखो। इसे हटा लेता हूँ और फिर हमारे पास ये वाला नया, ये वाला पुरानी वाली थी वो हम खोल चुका हूँ, तो नया वाला लगा कर देखता हूँ।
अब दोस्तों इधर देखो, ये हमारा जो लिखा है वो हमारा प्रॉपरली आ रहा है, देख सकते हो। तो हम पीछे की तरफ भी लगा कर देखता हूँ। तो आप दोस्तों दोनों ही डिस्प्ले आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए इधर भी सही आ रहा है और ये वाला भी देखिए सही आ रहा है, देख सकते हो दोनों डिस्प्ले जो है वो हमारा सही हो चुका है। इसका जो मेन प्रॉब्लम था अभी जो हमने इधर सॉल्व किया वो दोस्तों है हमारा वायर की। अगर आपका पास वायर है तो आप वायर को चेंज करके देखिए, और फिर वायर चेंज करने के बाद भी दोस्तों अगर आपका ये प्रॉब्लम आ रहा है, आपका डिस्प्ले सही नहीं आ रहा है, तो दोस्तों ये जो आईसी है इसे निकाल कर अच्छे से वॉश करके फिर से लगाइए। और दोस्तों आपका जो डिस्प्ले है उसे भी आप चेक कर सकते हो, उसे भी चेंज करके देख सकते हो, फिर भी नहीं हो रहा है तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ। और दोस्तों इधर दोस्तों एक ध्यान में रखना होगा आपको, जो तो जितना भी वायर है वो वायर आपका जो सेल है उसमें अटैच नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर अटैच हो रहा है तो आपका जो वेट है वो गलत दिखाएगा। देखते हो सब कुछ हमारा सही आ रहा है। तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।